नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों गर्मियों में तेज हवा और धूल मिट्टी उड़ती रहती हैं, जो हमारी स्किन को तो नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही साथ हमारे पैरों के तलवों और एड़ियों को भी ख़राब कर देती हैं। एड़ियाँ फट जाती हैं, कभी कभी तो इतना ज़्यादा फट जाती हैं कि उनसे खून निकलने लगता है, वो दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। दोस्तों क्या आपको भी एड़ियों के फटने की प्रॉब्लम है, तो परेशान ना होइए। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो कुछ ही दिनों में फटी एड़ियों से राहत दिलाएगा। इसके लिए आपको लेना है नंबर एक सरसों का तेल, नंबर दो मोम, नंबर तीन कपूर। दोस्तों सबसे पहले आपको सरसों के तेल को गरम कर लेना है और इसमें मोम डाल देनी है। मोम को पिघलने के बाद फिर इसमें कपूर को पाउडर बनाकर डालना है। इस तरह एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को रात में सोने से पहले लगा लेना है। 3 दिन के भीतर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे आपकी एड़ियाँ कितनी ही फटी हुई क्यों ना हो, साफ हो जाएगी। यह फटी एड़ियों के लिए रामबाण नुस्खा है। आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो तो इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।